अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। बेटा आइसोमर्स, वी स्टार्टेड आइसोमर्स। तो आइसोमर्स में जो है हमने न्यू एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, तो 15 तक हमने कर लिए थे। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 16, तो 16 में कह रहे थे स्ट्रक्चर इज गिवन 1,3 ब्यूटाडाइन आपको दी हुई है इसने, और इसमें कह रहा है कि व्हेन इट इज़ रिएक्टेड विद व्हाट, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr एंड प्रोड्यूस 3 स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें सिमेट्री है इस वजह से ऐसा हुआ, वरना आपके पास 4 प्रोडक्ट बनती हैं। बहरहाल तो इफ वी राइट दिस वे, आपके पास 1, 2, 3, 4 कार्बन थे इसमें, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं एक को, तो आपके पास जो है डबल बॉन्ड जो है पहले इस टर्मिनल के ऊपर है एंड देन इस टर्मिनल के ऊपर है, तो आपके पास ये मॉलिक्यूल था, राइट। अब जो है इसके साथ हमने HBr को जब ऐड करना है, तो HBr जो है मेजर माइनर का जो है वो ख्याल नहीं कर रहा, तो हम इसके साथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो नंबर वन पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि आपके पास जो है इस केस में मार्कोनी कॉफ रूल के हिसाब से H इधर आ जाए एंड Br इधर आ जाए, नंबर वन पॉसिबिलिटी। एंड नंबर टू पॉसिबिलिटी भी ये है कि आपके पास मार्कोनी कॉफ रूल के हिसाब से H इधर आ जाए एंड Br इधर आ जाए, तो ये एक प्रोडक्ट हो गई। दूसरा जो है एक तरफ मार्कोनी कॉफ रूल चले एक तरफ ना चले, तो आपके पास यहाँ पर H आ जाए एंड यहाँ पर Br आ जाए, एंड दूसरे वाले में आपके पास जो है मार्कोनी कॉफ रूल जो है वो ना चले, यहाँ पर H आ जाए जबकि यहाँ पर Br आ जाए, तो दिस इज़ सेकंड। तो आपके पास इन दोनों में मार्कोनी कॉफ रूल अप्लाई हुआ, इसमें अप्लाई हुआ, इसमें नहीं हुआ। अब दोनों में ही अप्लाई ना हो, अगर दोनों में ही माइनर प्रोडक्ट पे चले जाएँ तो उस बेस के ऊपर जो है आपके पास H वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, तो आपके पास जो है H विल बी हेयर एंड Br विल बी हेयर एंड सिमिलरली H विल बी हेयर एंड Br विल बी हेयर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसमें हाउ मेनी प्रोडक्ट्स हैज़ एट लीस्ट 1 कायरल सेंटर, लेकिन पहले वाले में ना ये कायरल है, 2 कायरल हो रहे हैं इसमें, एक ये कायरल है, ठीक है। तो आप गौर से देखें, इसमें एक H लगा हुआ है, एक Br लगा हुआ है, एक ये चीज़ और एक ये चीज़, तो ये कायरल हो गया, एटलीस्ट एक बोला था उसने, हम दोबारा दूसरा चेक नहीं कर रहे। सिमिलरली इस वाले में यू कैन सी दिस वन इज कायरल। अच्छा, हाउ इट इज कायरल, दिस इज H, दिस इज Br एंड दिस इज CH3 वाइल दिस इज समथिंग एल्स, तो ये भी कायरल हो गया आपके पास। एंड इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट वाले में आते हैं, तो ये तो कायरल हो नहीं सकते, CH2 है, CH2 है ना, ये हो सकते हैं क्योंकि इस पर 2 H लगे हुए हैं, तो आपके पास सिर्फ 2 जो है प्रोडक्ट आउट ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट्स जो आपके पास बनाए थे आपने, 3 प्रोडक्ट, 1, 2 और 3, इनमें सिर्फ 2 में कायरल निकला है आपके पास, तीसरे में नहीं है, तो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया है कैक्यूल का, एंड ही सेज के एज्यूमिंग दैट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हाउ मेनी आइसोमेरिक 2 Cl। नाउ यू कैन सी कि इसमें आपके पास वी हैव अ 6H ना, अब उसने 6H में से 2H हटा दिए, 2 Cl सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन करवानी है आपको भी, तो इसको हम बनाते हैं, तो आपके पास ऐसा हो जाएगा एक, फिर जो है हम इसकी कॉपी भी कर लेते हैं ताकि जो है बात इसको नहीं छेड़ना, सब्स्टिट्यूशन करनी है, राइट। सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने सिर्फ 2 क्लोरीन लगाने हैं, तो एक तो मैंने क्लोरीन लगा दिया इधर और एक क्लोरीन लगा दिया मैंने इधर, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2-dichloro, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि मैं, क्योंकि एक कार्बन पे एक ही लग सकता है, एक इधर लगा दूँ एक इधर लगा दूँ, इसका नाम हो जाएगा 1,3-dichloro। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास एक मैंने इधर ही रहने दिया, एक जो है इधर लगा दिया, इसका नाम बन जाएगा 1,4-dichloro। नाउ बने तो 3, लेकिन एक इशू है छोटा सा, इफ़ यू कैन सी इनमें से स्ट्रक्चर में से आपके पास जो है ना ये सिंगल बॉन्ड के ऊपर दोनों क्लोरीन लगे हुए हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड पे दूसरा भी डबल बॉन्ड पे आ रहा है, इसमें एक डबल बॉन्ड पे दूसरा भी डबल बॉन्ड पे, ये तो पोजीशन के हिसाब से हो गया, लेकिन इनमें से ऐसा एक और बन सकता है जिसमें दोनों क्लोरीन उस बॉन्ड पे लगे हुए हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड था, ऐसा इससे पहले कहीं नहीं था। ये गौर से देखिएगा कि दिस वॉज अ यूनिक थिंग, इसमें डबल बॉन्ड के ऊपर ना दोनों Cl आके लगे हुए हैं, तो ये ऐसा Cl है 1,2 ही है, लेकिन ये 1,2 और उस 1,2 में फ़र्क है, मतलब मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये भी 1,2 है और ये भी 1,2 है, थोड़ा सा यू कैन सी द डिफरेंस। एक्चुअली हेयर
क्लोरीन आर अटैच्ड ऑन अ सिंगल बॉन्ड ना, जो सिंगल बॉन्ड आ रहा था ऑल्टरनेट आपके पास, उस पर दोनों आके लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे डबल पे लगे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में फ़र्क था, इसलिए आपके पास ये 1, 2, 1, 3, 1, 4 तो होना था, लेकिन ये एक एडिशनल आइसोमर बन गया, जिसकी वजह से आपके पास आंसर बन जाएगा इसका B4। इसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी कैलसेंटर्स आर देयर, तो कैलसेंटर ढूंढते हैं। एक चार डंडियों पे ख्याल आया था, लेकिन बोथ आर सेम, लीव इट, ना इसको देखना ना इसको देखना ना इसको देखना, इस पर डबल बॉन्ड आ गया, इसको भी नहीं देखना इसको भी नहीं देखना, डबल बॉन्ड 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 एंड दिस CH2, देयर इज़ नो कैल, तो आपके पास 0 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो है आपसे कह रहा है कि ये कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, एंड ही सेज के विच स्टेटमेंट अबाउट दीज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर करेक्ट। नंबर 1, ही सेज के 1 मोल ऑफ ईच रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम। अच्छा, ये वाली बात जो है आपको पता है, आप बड़े हो गए आप लोग, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, सोडियम किस चीज़ से रिएक्शन करता है? सोडियम करता है OH ग्रुप से। OH ग्रुप किस किस चीज़ में ऑर्गेनिक मिलेगा आपको? ओल में मिलेगा, एल्कोहल में, एंड ओइक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगा। इसका मतलब, और ये भी बात पता है कि आपको एक सोडियम जो है एक OH से रिएक्शन करता है, रेशियो की 1:1 की होती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, उड़ा देता है, तो ये काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब कि आपके पास 2 सोडियम, तो इसका मतलब 2 OH होने चाहिए, चाहे वो एल्कोहल का हो चाहे वो एसिड का हो। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें मेरे पास 2 OH मुझे नज़र आ रहे हैं, नेक्स्ट वाले में मुझे 1 OH और 1 OH नज़र आ गया, तो इसमें भी मुझे 2 OH नज़र आ रहे हैं, एंड ये एसिड में भी OH होता है राइट, इसमें भी आपके पास 2 OH, तो ये सब में 2 2 OH आ रहे हैं, तो इसलिए 2 सोडियम से रिएक्शन करेगा, ये बात सही है। इसके बाद ओनली 1 आइसोमर कंटेन टर्शियरी अल्कोहल। अच्छा, टर्शियरी अल्कोहल के लिए चलते हैं। टर्शियरी अल्कोहल का आपको बताया था स्ट्रक्चर फार्मूला में ढूंढने का तरीका, वो था आपके पास COH होता है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अगर आपके पास CH2OH हो तो दिस इज़ प्राइमरी, COH हो तो दिस इज़ टर्शियरी, एंड जस्ट CHOH हो, CHOH अगर आपके पास होता है तो दिस इज़ सेकेंडरी। तो आपको इस चीज़ से भी पहचानना आना चाहिए था, आपको बताया था सी के साथ OH है, CH2 के साथ, और ये तो आपके पास ढूंढते हैं इसीएस के टर्शरीज में अल्कोहल है, तो वो तो कह सकता है, हम मानते हैं ये तो प्राइमरी है, सिमिलरली ये भी प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी प्राइमरी हो गया, 1 डिग्री 1 डिग्री। टर्शरी ढूंढ लेते हैं, दिस इज सेकेंडरी, लीव इट, एंड दिस इज प्राइमरी, लीव इट, टर्शरी नहीं मिला अभी तक। नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, दिस इज़ प्राइमरी एंड देयर इज़ नो अदर अल्कोहल, एंड इस वाले पे आते हैं तो दिस इज सेकेंडरी एंड अल्कोहल दूसरा इसमें है नहीं, तो टर्शरी तो इसमें नहीं है, तो ये ख़त्म हो गया। अच्छा, दे ऑल कंटेन प्राइमरी अल्कोहल, गलत, आपके सामने मार्क किए हैं, प्राइमरी भी हैं इसमें, सेकेंडरी भी हैं, तो आपके पास जो है ये वाली बात भी गलत हो जाएगी, 1 ओनली मतलब डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेटमेंट अबाउट द स्टीरोमर्स करेक्ट, कौन सी बात ठीक होती है? सिस ट्रांस आइसोमर मिरर इमेजेस होते हैं ना भाई, सिस ट्रांस नहीं होते, वो ऑप्टिकल होते हैं, मिरर इमेजेस। इसके बाद नेक्स्ट, ही सेज के ऑप्टिकल आइसोमर मस्ट कंटेन डबल बॉन्ड, नो, दिस इज फॉर, ये जो चीज़ थी दिस इज फॉर सिस ट्रांस। इसके बाद कह रहा है कि स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, जी यस, दे हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट ज्योमेट्री, तो दिस इज़ द आंसर। एंड द लास्ट वन, स्टीरोमर्स मस्ट हैव अ कर्ल सेंटर, नो, ज़रूरी नहीं है, उसमें आपके पास ये क्वेश्चन को ज़रा देख लें, स्टीरोमर्स के बारे में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन भी चलाता है, कि मैंने आपसे कहा था कई दफ़ा कि ज्योमेट्रिकल के लिए वर्ड यूज़ कर रहा होता है, तो ये ज्योमेट्रिकल पे कर्ल होना उसमें ज़रूरी है, उसमें सिस ट्रांस हो तब भी हो सकता है, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड कर्ल कर्ल के अलावा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से भी स्टीरोमर्स उसका हो सकता है, तो सी वॉज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बनता है, ये इसमें कह रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स दोनों को आपने ख्याल करना है इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा जी, ये सारे कार्बोनाइल कंपाउंड थे, इनको बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाया। अच्छा, उसके बाद फिर उसने क्या किया कि इसको हीट कर दिया इसके साथ, और फिर जो है आपके पास एल्कीन्स बन गई होंगी, इसने ये आपके पास डिहाइड्रेशन करवा रहा है, तो दिस इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था ना आपके पास, वैसे ये भी डिहाइड्रेटिंग करेगा, मेक एल्कीन एल्कोहल से। अच्छा, ब्यूटेनल जो है इतना खूबसूरत होगा कि ब्यूटेनल राइट। अच्छा, अब आप इसमें जब हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो आपको पता है कि इसमें आपके पास यहाँ पर एक एच आ जाएगा और एक एच यहाँ पर आ जाएगा।
अब अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन करवाएंगे यू विल गेट ओनली वन एल्कीन बिकॉज अल्फा कार्बन हैज़ ओ एच एंड द बीटा कार्बन ओनली वन बीटा कार्बन इसका एच जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ये चीज़ रिमूव हो सकती है, आपके पास सिर्फ एक ही एल्कीन बनेगी जिसका सिस्टांस भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया इसका। दूसरा जो है आपके पास ब्यूटेनॉन है, तो ब्यूटेनॉन को बनाने के लिए इधर आ जाते हैं हम लोग। ब्यूटेनॉन चार कार्बन होंगे, तो आप डबल बॉन्ड चाहे यहाँ पर लगा दें या इस वाले पे लगा दें, डजेंट मैटर, आप इसको इधर कर दें तो एक ही बात रहेगी इसकी। एंड व्हेन यू ऐड बोरोहाइड्राइड तो आपके पास जो है दिस विल टर्न इनटू एच एंड एच, आपके पास सेकेंड एल्कोहल बन गई। नाउ दिस इज अल्फा कार्बन, ये इसका अल्फा कार्बन है एंड इसके पास बीटा कार्बन दो आ रहे हैं राइट, तो इसमें पॉसिबिलिटीज आपके पास दो बन जाएंगी एल्कीन से करते हुए आ रहे हैं, यहाँ से भी निकल सकता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपके पास इट विल गिव यू टू टाइप्स ऑफ एल्कीन। नंबर वन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा व्हेन इसका एच और इसका ओएच चला जाए, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर इसका एच और इसका ओएच चला जाए तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, तो वन ब्यूटीन भी बनेगी टू ब्यूटीन भी बनेगी। अच्छा, आप इसका तो सिस्टांस नहीं हो सकता, तो ये तो एक ही रहेगी, लेकिन इसका सिस्टांस हो सकता है इस वाली का। ये एच है, ये सी एच थ्री है, ये एच है और ये सी एच थ्री, तो इसका सिस्टांस भी हो जाएगा, मतलब प्लस वन एक और हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगी टोटल इसमें तीन। तो इसमें आपके पास तीन बन रहे हैं, उसमें एक ही बना था। इसके बाद पेंटेन थ्री ऑन, अच्छा इसके लिए अब थोड़ा सा जगह बनाते हैं, फिर लेके आते हैं। पेंट है मतलब फाइव कार्बन है एंड इस पे लगा रहा है ओएच, तो यू कैन सी इसमें जब लगाऊंगा डबल बॉन्ड पे ये हटा के आई विल प्लेस हियर एच एंड ओएच, सेकेंडरी एल्कोहल बन गई, नो इशू एट ऑल। दिस इज़ योर अल्फा कार्बन एंड यू हैव अगेन टू बीटा कार्बन, बट द प्रॉब्लम इज देयर इज अ सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से अगर यहाँ से ओएच निकल जाता है तो आपके पास डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, एक दो तीन चार और पाँच, यू कैन सी यहाँ से, तो टू और थ्री के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, तो आपने यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दिया। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि आपके पास पाँच कार्बन है अगेन, आप यहाँ से निकालते हैं तो आपके पास छः इधर उधर सेकेंड और थर्ड पे आएगा, तो डबल बॉन्ड ये आएगा। एक्चुअली बोथ दीज कंपाउंड्स आर सेम, ये शो करेंगे सिस्टांस नो इशू, लेकिन आपके पास ये एक ही चीज़ बन रही है, तो इसमें आपके पास बीटा कार्बन तो दो थे लेकिन बनी एक चीज़, इसलिए आपके पास यहाँ पर एक ये बन जाएगा, बस एक इसका सिस्टांस हो सकता है, तो मैक्सिमम एल्कीन जो इसमें बनेगी आपके पास दैट विल बी ओनली टू, प्लस वन हो जाएगा, तो आपके पास इसमें दो बन जाएंगी। प्रोपेनॉन में तो आप समझ गए होंगे, प्रोपेनॉन में आपके पास प्रोपेनॉन था इतना प्यारा, अब आपने क्या कर दिया इसमें, इसको बोरोहाइड्राइड सिलेक्शन करवा देते हैं आप, तो इस जगह पे और इस जगह पे आपके पास एच आ जाएगा। एंड अगेन यू कैन सी आपके पास जो है दो ऑप्शन बन रहे हैं, अल्फा कार्बन आपके पास ये रहा एंड बीटा यू हैव अ टू, बट देयर सिमेट्री, आप यहाँ से निकालें तो प्रोपीन बन जाएगा, आप यहाँ से निकालें तो प्रोपीन बन जाएगा, वन प्रोपीन ही रहेगा आपके पास, तो आपके पास एक ही आइसोमर बनेगा इसमें, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, तो 22 में आपसे कह रहा है कि आप क्या करते हैं, आप इसमें एडिशन टू स्टेरिक वाले यू हैव टू फाइंड मोर कार्ल सेंटर इन एडिशन टू इसके, तो आपको तीन और चार डंडियों ब्रेक लगानी होती है, सिमेट्री तो मुझे मॉलिक्यूल में नज़र नहीं आ रही, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और कोई मुझसे मिस तो नहीं हो रहा, लेट मी क्लियरली चेक, बस तीन आ रहे, ये आई नो कि ये तो ऑलरेडी उसने मार्क किया मैं, तो मेरे पास और तो कहीं नहीं आ रहा, ना ये है ना ये ना ये ना ये, आपको बताया था तीन, तो तीन आंसर इसका देख लीजिएगा, कोई मसला हो तो फिर इट्स क्वाइट सिंपल, इससे पहले भी कई दफ़ा हुआ है ये क्वेश्चन, आपने देखा होगा। इसके बाद कह रहा है कि सिस्टांस आइसोमर्स हैं पी एन क्यू, अच्छा सिस्टांस के लिए आपको पता है डबल बॉन्ड दो होता है उसमें, अब वो कह रहे हैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा, जब आइसोमर है आइसोमर तो सेम, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आइसोमर में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है तो एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होगा फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसमें एल्कीन होगा लाजमी दोनों में, सिस्टांस के लिए एल्कीन तो फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम होगा, स्केल्टर फार्मूला दोनों का वो डिफरेंट हो जाएगा, क्यों हल्का सा फ़र्क आ जाएगा, सिस में आपको ऐसे बनाना है इसका स्केल्टर फार्मूला एंड ट्रांस में स्केल्टर फार्मूला इसका ऐसा बनेगा, तो दिस विल बी नॉट करेक्ट।
तो वन एंड टू मतलब हो जाएगा आपके पास बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो कह रहा है कि जर्नियोल एंड लेनेलोल जो है दोनों कंपाउंड्स हैं। अच्छा जी, विच स्टेटमेंट फॉर दीज आर करेक्ट। अच्छा जी, पहली बात पढ़ लें इसको, चेन आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, पोजिशन आइसोमर। इसका मतलब आइसोमर तो ये हैं फिर ना, मतलब मुझे कार्बन वार्बन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेन आइसोमर, चेन को मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो देखें यहाँ पर आपके पास ये इस तरीके से चलना शुरू किया, तो आपके पास कार्बन कितने आ रहे हैं, यू कैन काउंट इट। अच्छा, उसको दूसरी की भी चेन लगा लेता हूँ मैं पहले। तो आपके पास जो है यहाँ से चलेगी चेन इसकी फर्स्ट ग्रुप के साथ, यानी यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते बन रहे हैं। तो कार्बन काउंट करते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों की चेन में सेम आ रहे हैं, चेन आइसोमर तो नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्या ये सिस ट्रांस, इसका सिस ट्रांस अगर चेक करता तो इसका तो देखो हो नहीं सकता ना सिस ट्रांस, तो छोड़ दें। इसका अगर सिस ट्रांस चेक करता तो इसको फ्लिप होना चाहिए था बस एक साइड को, ऐसा तो नहीं है। इसमें तो डबल बॉन्ड की पोजीशन ही चेंज हुई है, इसमें डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे जो आ रहा था हमारे पास कार्बन नंबर टू पे, इफ़ यू काउंट, एंड ओएच की पोजीशन भी चेंज हुई है। यू कैन सी, देखो आपके पास ओएच यहाँ पर कार्बन नंबर वन पे आ रहा है, यहाँ पर आपके पास कार्बन नंबर तीन पे आ रहा है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज हुई, मतलब दिस पार्ट इज़ सेम। आई नो यहाँ से ये वाला पार्ट इसका बिल्कुल सेम है दोनों में, लेकिन द इशू इज़ कि यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, ओएच की पोजीशन चेंज, तो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन मिल जाए तो पोजीशन मिल गया, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ विच कंपाउंड हैज़ ए कार्बन सेंटर, माशाल्लाह ब्यूटेनोइक एसिड है, तो यू नीड, मैं इधर बनाता हूँ थोड़ा साइड पर ताकि जगह मिल जाए। ब्यूट का मतलब चार, एसिड हमेशा टर्मिनल होता है, एंड ही सेज़ के दो पे हाइड्रोक्सी लगाते हैं, लगा दिया, एंड यू कैन चेक दिस इज कायरल ट्रू, क्योंकि इसके साथ चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये एच है, एंड दिस इज, तो ये तो है टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, इसको भी बनाते हैं, 1 2 3 चार बना दिया, ठीक है। ये आपके पास कार्बन 1 2 छोड़ के 3 पे ओएच लगा दें, इसके नीचे एच होगा, यू नो दिस इज सी एच थ्री एंड दिस इज सी एच टू, एंड देखते हैं इस वाले को, यस हो गया, ये भी ये अलग है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, यस, एंड फोर हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, एंड दो तीन काम करने के बाद यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर अगर आप फोर पे लगाएंगे ना OH, लगा दो उस पर, दो एच भी तो है, देखें बीच वाले तो नहीं हो सकते, इसमें आपके पास ये दोनों जो हैं सेम सेम हो गए, इसलिए ये नहीं हो सकता रॉन्ग। तो वन एंड टू मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरो आइसोमर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अच्छी बात है, विच फार्मूला आइडेंटिफाई सिंगल सब्सटेंस, मतलब हैज़ नो आइसोमर, उसका नो आइसोमर नज़र आया आपको। अच्छा जी, दोनों देख रहे हैं, देखें इसमें हम जब स्ट्रक्चर बनी हुई है तो हम सिर्फ इसमें ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं, इसको गौर से देखें। इस वाले कार्बन की बात करें तो दिस कायरल, ठीक है, खोल के बना के देख लीजिएगा, इसके साथ चार चीज़ें डिफरेंट हैं, एच है, सी एल है, एंड दिस एंड दिस, तो दिस इज़ कायरल, ये तो इसके दो हो जाएंगे आपके पास ना, सिंगल नहीं होगा। इस वाले में आते हैं तो इसने यहाँ पे होशियारी की है, डबल बॉन्ड दिखाया नहीं आपको, तो मैं दिखा देता हूँ डबल बॉन्ड, तो सी एच थ्री लिखा, फिर आपके पास सी एच डबल बॉन्ड, सी एच डबल बॉन्ड है, एंड यू नो कि इसमें जब दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो थे आपके पास, अगर इफ़ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि सिस्टांस करेगा या नहीं करेगा, तो दिस इज़ डिफरेंट एंड सिमिलरली दिस इज़ डिफरेंट, तो दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये भी करेगा सिस्टांस, इसके भी दो आइसोमर बन जाएंगे। नेक्स्ट वाले पे आते हैं तो जूम इन कर देते हैं आपके सामने, इसमें आते हैं तो आपके पास ये सी एच दो एच लगा दिए, सी एल लगा दिया, अगले वाले पे दो एच हैं, अगले वाले पे एक एच है और दो सी एल है। अच्छा जी, आप गौर से देखिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा, इसमें सिस्टांस तो हो नहीं सकता था, ऑप्टिकल भी नहीं हो रहा, क्यों, आपको चेक किसको करना है, इसको करना है, करके देखें, इसमें ये दोनों सेम सेम है ना, ये दोनों सेम सेम आ गए, तो ये नहीं हो सकता, उस वाले में जाके चेक करना उसको, तो उसको भी चेक कर लें,
इस वाले में आपके पास ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं, ये क्लोरीन क्लोरीन सेम आ गया, तो इसका सेंटर वाला तो हो नहीं सकता था, तो ये सिंगल प्रोडक्ट के तौर पे एग्जिस्ट करेगा। इसकी अगर बात करें तो ये तो उसने बना के नहीं दिया, अगर वो स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के देता था अपना तो हम उसने कहा कि स्ट्रक्चर को भी कंसिडर करो। नाउ इट्स अ क्लोज स्ट्रक्चर, अगर क्लोज है इसको मैं खोल दूँ, एक इसका ये बन सकता है, अगर तू बना के दिया होता फिर मैं कहता कि हाँ ठीक है, और एक इसका ये भी बन सकता है आइसोमर, तो इसके तो आइसोमर दो हो सकते हैं, लेकिन कार्ल नहीं होगा इसमें, दो हो सकते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐसी थी, एक थी जिस पे नहीं हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा जी, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो फिर दोनों सोचने हैं आपको, तो सोच लें। इफ़ द मॉलिक्यूल कंटेन टू नॉन आइडेंटिकल कार्ल कार्बन, देर आर फोर ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट, ये वाली बात जो है आपके पास, ये तो आपको बताया था आपको कि टू द पावर टू फोर होते हैं। हाउ मैनी आइसोमर्स आर देयर विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो दिस क्वेश्चन वो थोड़ा सा स्नीकी था हल्का सा, कि वो इंडिविजुअल की बात कर रहा है या फिर उस पर, तो उसने एंड लगाया मतलब उसमें ही प्रॉपर्टीज, पहले उसने बताया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरी बात बताई फाइव मेंबर का रिंग है, तीसरी बात बताई कि उसमें टर्शियरी अल्कोहल भी होनी चाहिए, तो हमने क्या कि छः कार्बन का पहले रिंग बना लेते हैं आराम से सुकून से, एंड फिर उसने कहा कि इसमें टर्शियरी अल्कोहल लाजमी करनी है, तो देखें यहाँ पर अगर मैं OH लगा लेता हूँ तो ये तो आपके पास बन जाएगा सेकेंडरी, वाई बिकॉज इट इज़ CH एक्चुअली, तो इस कार्बन के साथ तो सिर्फ दो कार्बन कनेक्टेड हैं, तो आपको उसको टर्शियरी बनाना, तो आप टर्शियरी बनाने के लिए यू आर कंपेल्ड टू मेक इट दिस वे। अब देखें आपके पास कितने कार्बन हो गए आउट ऑफ, तो छः ये हो गए, सातवां ये हो गया, तो आपके पास एक कार्बन मिसिंग है, तो एक कार्बन जो है आपने लेट से उठा के लगा दिया इधर, इसको मैं कॉपी कर लूँ, ये तो आपके पास रहेगा, टर्शियरी तो रखना है आपको, एंड दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने बना ली इधर, एंड फिर देखते हैं एक एक करके, तो आपके पास यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3 जो बचा था हमारे पास, एक में CH3 मैंने यहाँ पर लगा दिया, एंड एक में मैंने लगा दिया यहाँ पर CH3। अच्छा अब इस वाले में देखें तो आपके पास ना दो कार्ल आ रहे हैं, एक दो, यू कैन सी ये अलग है, ये अलग है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट डिफरेंट, सिमिलरली इसको देखें तो दिस एंड एच आर डिफरेंट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट डिफरेंट, तो इसमें दो आ रहे हैं, तो आपके पास हो जाएंगे यहाँ पर टू द पावर टू, मतलब चार आइसोमर यहाँ से हो गए। अगले वाले में आएँ तो ये तो कार्ल है, यू नो चेक कर लिया, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट डिफरेंट, तो ये तो कार्ल मैंने मार्क कर दिया। नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, ये CH3 है, इसके साथ इधर एच लगा होगा, दिस पार्ट इज़ डिफरेंट एंड दिस पार्ट इज़ डिफरेंट, तो ये भी हो जाएगा आपके पास कार्ल, सॉरी ये इसमें दो पॉइंट्स निकले तो इसमें आपके पास टू द पावर टू मतलब चार हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले में आते हैं तो आपके पास ये वाला कार्ल लग रहा है मुझे, ये एच हो गया, ये CH3 हो गया, लेकिन यू कैन सी बोथ साइड्स आर एग्जैक्टली सेम, CH2 और CH3 आ रहा है इधर से, इधर से भी CH2 एंड CH3 आ रहा है, तो ये बिल्कुल इसकी सिमेट्री बन रही है, तो ये दोनों सेम है, इसका नहीं बन सकता, इसमें कार्ल ये जो हो सकता था ना ये भी नहीं हुआ, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से CH3 किया आपने, ये एच कर दिया, ये तो दोनों डिफरेंट कर दिए, लेकिन फिर CH2 एंड दिस ब्ला सिमिलरली यहाँ से भी CH2, तो यहाँ से बिल्कुल इसका इक्वल हाफ करें तो दो इक्वल हाफ बनते हैं, यहाँ से करें इसके तो इसके भी इक्वल हाफ बनते हैं, इसमें ऑप्टिकल एक भी नहीं है, ज़ीरो हो चुका, इसलिए इसका मतलब ये एक ही रहेगा, तो चार ये हो गए और चार ये हो गए और ये अकेला, तो पॉसिबल, तो उसकी मैंने सारी स्ट्रक्चर बना के दिखा दी, तो उसके जो आइसोमर्स ने पूछे थे तो हमारे पास इसमें दो दो आए थे, तो आपके पास टोटल आंसर बन जाएगा 4+4+1 मतलब 9 इज़ द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टीरियोमर्स स्ट्रक्चर फार्मूला आर पॉसिबल, राइट, स्टीरियोमर एग्जिस्ट इन दिस कंपाउंड, स्टीरियोमर जो है ज्योमेट्रिकल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं आपके सामने है, तो पार्टी ऑन करते हैं, देखें पहले तो हम इसको ढूंढते हैं कि ये सिस्टेंस करेगा या नहीं करेगा, तो शुरू करते हैं, इस कार्बन के साथ एक ये लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है, ये दोनों डिफरेंट हैं, यहाँ से सेट है ये, इस कार्बन के साथ एक H है और ये पूरी चीज़, तो ये भी दोनों डिफरेंट हैं, ये करेगा जी सिस्टेंस, एंड ये नहीं कर सकता, डबल बॉन्ड है इसमें और साइकिल में आ रहा है ये। अच्छा अब ऑप्टिकल ढूंढ लेते हैं, ऑप्टिकल के लिए तीन चार डनी चाहिए, इसको नहीं देखना क्योंकि दोनों CH3 हैं, CH3 छोड़ दे इसको, इसको देखें ज़रा गौर से, ये ऑप्टिकल बन रहा है, इधर आपके पास जस्ट C है, इसके ऊपर एक H है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर डिफरेंट, तो
तो ऑप्टिकल भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, आपके पास ये भी पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब हो गया ज्योमेट्रिकल के लिए हमारे पास फार्मूला था 2n, अब हमारे पास दो पॉइंट्स निकले, हालांकि वो डिफरेंट हैं, एक सिस्टास का और एक ऑप्टिकल का, तो इसलिए हमने 2 की पावर 2 कर दिया, आंसर आ गया 4, तो 4 इज़ द आंसर। तो ये था बेटा इसका जो है हमारा आइसोमर्स का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।